हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ। पीछे हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ सुंदरकांड का पाठ और भागवत 7 दिनों से चल रहा था। आज सुंदरकांड का पाठ, हवन और भंडारा, मैं वहाँ आपको ले चलती हूँ। थोड़ी देर में हम फिर मिलते हैं। लंका लगी पड़ी है, वहां जाने का फायदा नहीं। चलिए, यहां से उड़ान भरे, लगभग 12 बज रहे हैं। हनुमान जी को 1:30-2 बजे तक घुमा करके लेकर के आने की कोशिश करें। सब मिलकर के गायन करें गतिमान हनुमान जी के साथ। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम। छोड़ दिया इससे हीरा को भी, बेचारी को छोड़ देते थोड़ा मजा चका के। हनुमान जी ने कहा ये सिंह का ईर्ष्या है। क्या है? ईर्ष्या, जलन, जेलेसी, दूसरे से जलने की भावना। हमारे अंदर काम हो उसकी जरूरत है, क्रोध की भी थोड़ी जरूरत है, लेकिन ईर्ष्या की जरूरत, किसी से जलने की जरूरत नहीं है। इसलिए ईर्ष्या को मार दिया हनुमान जी ने। और आगे चले तो रावण ने काल बिठा रखा था। पार्वती माता ने कहा महादेव अब क्या होगा, बताइए ना अब क्या होगा। भगवान शिव ने कहा होगा कुछ नहीं, देखती रहो। उमा नकच कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो है, काल को भी खा जाए हनुमान जी। कालम महाकाल, कालम कृपालम, मैं हूं। और हनुमान जी कौन है? हाथ वज्र अरुध्वजा। काल तो हनुमान जी के हाथ में रहता है, वज्र जो है ना, एक मार दे किसी को तो उसका काल निकट आ जाता है। किसके अवतार है? कालम महाकाल, कालम कृपालम। पार्वती माता के सामने जब ऐसी बात करते हैं ना शंकर जी अपनी बढ़ाई, तो आंखें नीचे कर लेते हैं। ओ माना कछु कथि कहे अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। ऐसे दुनिया में कुछ पति भी होते हैं, अपनी पत्नी के सामने अपनी तारीफ करेंगे तो सामने हम 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 हम। अरे शंकर जी से सीखो अपनी। ये हनुमान जी की क्वालिटी है। दो माताएं एक साथ रहती हो, उनकी लड़ाई करवानी हो तो एक को बुलाओ, इधर आओ बहन जी, अब दोनों ही आएंगी। एक को कौन? नहीं बहन जी, आप नहीं, आप आ जाओ। वो सोचेगी अब हमसे भी छुपाने लगे, क्या बात है। जैसे ही वो पास में आए, कान में कुछ मत कहो, बस होंठ हिला दो। वो कहेगी क्या? बोले चलो अब जाओ, लेट हो रही हो, बाद में बताएंगे। अब जैसे वो पूछेगी जाकर, हाँ क्या कह रही थी? बोले कुछ नहीं, बोली बाद में बता। अच्छा, हमने देखा बोल रही थी तुम्हारे कान में कुछ। अच्छा, अब हमसे भी छुपाने लगी हो, आज से तुम्हारा हमारा दाना पानी बन। ये है भेद नीति। पूरी लंका जलाई, एक का ही घर छोड़ दिया। रावण जब बहुत बोला तो रावण कहने लगा कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समझाए पावक देव लगा। रावण ने कहा बंदर के अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी ने सोचा अंग भंग करने के समय की वो शूर्पनखा की याद आ गई। अगर शूर्पनखा की याद आ गई तो मेरे नाक और कान कटेंगे, प्रेम से कहिए। अब हनुमान जी महान नाटक निपुण है, ऐसे करके पूंछ उठाई। अरे कहां छुपी हो? हे पूछ देवी, तुम्हारा हमारा रिश्ता आज तक ही था। रावण ने देखा है बंदर पूछ से क्या कह रहा है, तुरंत बोला कपि के ममता पूछ।
भंडारे का प्रसाद मिल चुका है, खा रहे हम लोग, आप भी खा लो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।